मानो वह जो मूर्त था, पता लगाने लगे लोग ये कौन सी ग्रह दशा आ गई, तो पता चल गया। वो स्वामी जी ने कहा सारे ग्रह बिगड़ गए, बुद्ध बिगड़ गई तो बुद्ध बिगड़ गया, गुरु का आदेश नहीं माना गया तो गुरु बिगड़ गया, कल्याण की वृत्ति को मिटाया गया तो शुक्र असंतुष्ट हो गया। संतुष्ट कौन होने वाला है, किसके लिए किया जा रहा है? जिस समय मंथरा और कैकेयी की बुद्धि को बदलने के लिए देवताओं ने सरस्वती को प्रेरित किया और सरस्वती आई अयोध्या में, तो तुलसीदास जी ने तुरंत कहा कौन आया हुआ है? गोस्वामी जी का हरस हृदय, दशरथपुर आई जनु ग्रह दशा दुसा दुखदाई, आ गई ग्रह दशा। और आगे चल करके पूछा गया कौन सा ग्रह था, बोले अवध साढ़ साती तब बोली, दशाओं में भी साढ़े साती से लोबड़ा डरते हैं, तो साढ़े साती से डरते हैं, बोले अधूनी साढ़े साती हो गई, मंथरा और कैकेयी मिल गई, इसलिए वन भी जो दिया गया वो 14 वर्ष के लिए, अब साढ़े सात 15 हो जाएगा, तो 14 वर्ष तो वन में रहना ही चाहिए। अब ये बात और थी कि जिन पर साढ़े साती आई, श्री राम पर और श्री दशरथ पर, श्री राम के लिए तो कोई अर्थ ही नहीं था, ग्रह दशा करेगी क्या? ज्योतिषियों ने तो निकाल दिया कि मंगल ग्रह खराब हो गया उसी दिन जिस दिन राज्य मिलने वाला था, तो पद मिलते मिलते नहीं रहा। पर श्री राम ने तो कहा कि वो मंगल आकाश वाला, भले ही लोगों को लगता है कि प्रतिकूल है, पर मैं जो तो मंगल ही मंगल है। क्यों? बोले संतों के संग का अवसर मिलेगा, दर्शन मिलेगा, इससे बढ़कर के मंगल क्या होगा? जब मानो बुद्धि भ्रष्ट हो जाए, क्या ग्रह आपसे आकर मिलता है? क्या वो खोज खोज करके लोगों को ढूंढता है? ऐसा कुछ नहीं। मानो जब हमारी बुद्धि मलिन हो जाए, भ्रष्ट हो जाए, जब हमारे विचारों में वह आ जाए जो नहीं आना चाहिए, तो समझ लेना चाहिए सबसे भयानक ग्रह की दशा आ गई। और जब वह ग्रह की दशा आ गई तो ग्रह शांति के लिए उपाय सोचा जाता है, कोई जप कराओ, भाई शनि खराब हो गया है तो शनि महाराज का जप करा लो, चाहे महामृत्युंजय का जप करा लो। और बहुत से लोग तो सुन चुके हैं कि हनुमान जी ने शनि की खबर ली थी, तो हनुमान जी को पकड़ लो। गोस्वामी जी ने कहा जब ग्रह दशा आ गई, और उस ग्रह दशा की विचित्रता यह थी, बड़ी मीठी बात, श्री राम वन भेज दिए गए। ज्योतिष शास्त्र का नियम यह है कि जब शनि की दशा आवे तो नियम पहनना चाहिए। शनि की दशा आई और राम के रूप में जो नीलम था उसे निकाल के वन भेज दिया गया, तो ग्रह दशा क्यों न बढ़ जाएगी? क्या मानो जब ईश्वर ही जीवन से दूर चला गया, जो वस्तुतः नीलमणि राम है उनको ही वन दे दिया गया, मानो ऐसी जब ग्रह दशा आ गई, तो ग्रह दशा आने के बाद सोचा गया किसका जब हो कि ग्रह शांति हो। और तब तुलसीदास जी ने कहा वह जब कौन सा था, और वे लिखते हैं जब यह विपत्ति आ गई, दशा आ गई, तो आप पढ़िए रामायण की चौपाई, समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जान। जो भरत का चरित्र है वही जप यज्ञ, बिना भरत के चरित्र के जप यज्ञ से यह ग्रह दशा शांत नहीं होगी। मानो संकेत क्या था, बोले नीलम में भी नियम होता है कि सब नीलम सबको नहीं करता, आप इसके फेर में ज्यादा मत पड़िएगा, वो तो रामायण का एक दृष्टांत में दे रहा हूं। नीलम के विषय में माना जाता है कि एक नीलम किसी को अनुकूल किसी को प्रतिकूल, तो मानो यह संकेत हुआ प्रभु ने श्री भरत, जब ये कहा गया कि अयोध्या में इतना फिरे कुयोग राम फिर आए, तो भगवान राम ने कहा अरे नीलम से शांति होती है,
तो इस नीलम के रहते भी तो शनि की साढ़े से आती है कि, तो एक ही उपाय है कि भरत के रूप में जो उसके चरित्र का नीलम है उसको धारण कर लो, और सचमुच मानो वह भरत का जो चरित्र है वही वह जप यज्ञ है, जिसे गीता में भगवान कहते हैं समस्त यज्ञों में श्रेष्ठ जप यज्ञ। गोस्वामी जी कहते हैं समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। भरत का जो चरित्र है वह जप यज्ञ है, पूरा चरित्र ही यज्ञ है, और इसी ने ग्रह दशा को शांत किया, राम राज्य की स्थापना लोक मंगल के लिए हुई। पर वो उस ग्रह दशा को श्री भरत ने कैसे शांत किया, क्या करूं, कैसेट होता है डेढ़ घंटे का, भरत का चरित्र बड़ा कैसेट छोटा, वो तो सदैव रहेगा, वो तो कितना भी लंबा होगा तो भरत की चरित्र की लंबाई कहां से नाप पावेगा। अब मुझे याद दिलाया जाता है कि अब कैसेट वालों पर कृपा कर दीजिए, बीच में ही तो फिर रोक देते हैं, कल श्री भरत के द्वारा उस जप यज्ञ के द्वारा कैसे राम राज्य का तत्व आता है इसकी चर्चा बोलिए।